हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सिक्स टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर नाइन बॉडी मूवमेंट्स सो स्टूडेंट्स यू नो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म शो मूवमेंट्स आप जानते हो आपने देखा है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं सभी मूवमेंट करते हैं तो वो मूवमेंट हम कैसे करते हैं हम अपनी बॉडी के थ्रू मूवमेंट करते हैं तो इस चैप्टर में हम उसके बारे में पढ़ेंगे फर्स्ट टॉपिक इज लोको मोशन इन एनिमल्स सो स्टूडेंट्स लोको मोशन क्या होता है लोकोमोशन होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक मूवमेंट होना उसको लोकोमोशन कहा जाता है ओके सो मूवमेंट इज़ एन इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल लिविंग बींग्स ऑल लिविंग बींग्स मूव नेचुरली ठीक है जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं सभी नेचुरली मूव करते हैं तो लोकोमोशन एनिमल में बेटा क्या होता है कि एनिमल्स जो होते हैं वो भी लोकोमोशन करते हैं वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाते रहते हैं वहाँ ट्रांसफर होते रहते हैं अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस ऑफ देयर इन्वायरमेंट्स हेयर वी हैव गिवन अ टेबल देखिए यहाँ पे एनिमल्स दिए हुए हैं ह्यूमंस काउज कंगारूज फिश बर्ड्स स्नैक्स तो ये देखिए बॉडी पार्ट्स यूज इन लोकोमोशन कौन से बॉडी पार्ट्स हमारे यूज होते हैं लोकोमोशन में यहाँ पर है लेग्स तो so, ह्यूमंस लेग का यूज़ क्यों करते हैं फॉर वॉक काउज लेग का यूज क्यों करती है फॉर वॉक कंगारूज लेग्स का यूज करते हैं होप यानी कि कूदने के लिए फिश टेल्स टेल्सविंग्स यानी कि स्विम बर्ड्स विंग्स फ्लाई बर्ड्स के विंग्स होते हैं वो कि फ्लाई करने के लिए स्नैक्स होते हैं जो कि ओल्ड बॉडी का यूज़ करते हैं क्रॉल यानी कि रेंगने के लिए ओके सो वाई एनिमल्स मूव एनिमल्स क्यों मूव करते हैं एनिमल्स मूव फ्राम वन प्लेस टू वन अदर इन सर्च ऑफ फूड एंड वाटर ओके जब एक प्लेस पर उनको वाटर या फूड नहीं मिल पाता तो वो दूसरे प्लेस पर मूव करते हैं टू प्रोटेक्ट दैमसेल्स फ्राम अदर एनिमल्स खुद को दूसरे एनिमल्स से बचाने के लिए करते हैं टू मूव टू फेवरेबल इन्वायरमेंट फ्राम अनफेवरेबल इन्वायरमेंट यानी कि जो इन्वायरमेंट उनके लिए ठीक नहीं होता तो वो उसका यूज दूसरे प्लेस पर चले जाते हैं टू फाइंड सुटेबल प्लेस फॉर लिविंग एग्स एड रियरिंग दियर यंग वन्स यानी कि अंडे देने के लिए या अपने बच्चों को पालने के लिए भी वो प्लेस को चेंज करते हैं टू फाइंड देयर पार्टनर्स फॉर रिप्रोडक्शन यानी कि अपने रिप्रोडक्शन प्र... प्रोसेस के लिए अपने पार्टनर्स को फाइंड करने के लिए भी वो दूसरे प्लेस पर मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक इज़ वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स तो हम इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे जो एनिमल्स होते हैं उनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है ओके okay? रन योर हैंड अलोंग देंटर ऑफ योर बैक अपनी बैक पर आप अगर हैंड यूज करोगे लगाओगे फील्ड द लॉन्ग बोन आपको एक बैकवोन दिखाई देगी जो कि एक लॉन्ग बोन होती है हमारी ऊपर से नीचे तक जिस इज कॉल्ड द बैक बोन इसको बैक बोन बोलते हैं बेस्ड ऑन द एबसेंस और प्रेजेंस ऑफ बैक बोन एनिमल्स कैन भी डिवाइडेड इंटू टू ग्रुप्स इंटरवर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स बैकवोन होने उसकी एबसेंस और प्रजेंस के अकॉर्डिंग ही इसको दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है सो स्टूडेंट्स एनिमल्स डेट डो नॉट हैल्ड इनवर्टिब्रेट्स यानी कि वो एनिमल्स जिनकी बैकबोन नहीं होती उनको बोलते हैं इनवर्टिब्रेट्स फॉर एग्जाम्पल इंसेक्ट्स स्पाइडर अर्थवॉर्म स्नेल एंड जेलीफिश इन सबकी बैकबोन नहीं होती हैं एंड एनिमल्स दैट हैव है बैकबोन आर कॉल्ड बर्टिब्रिट्स और जिनकी बैकबोन होती है उनको हम बर्टिब्रिट्स बोलते हैं फॉर एग्जाम्पल बर्ड्स फिश स्नेक ह्यूमन बींग्स ठीक है तो हम सभी के बैकबोन होती है ठीक है उसके बाद आपको टॉपिक दिया हुआ है मूवमेंट इन एनिमल्स दैट हाउ डू एनिमल्स मूव वो कैसे मूवमेंट करते हैं तो ये टॉपिक आपको खुद रीड करना है वी विल कंटिन्यू इट इन नेक्स्ट वीडियो